महारथी कर्ण का जन्म देवी कुंती के गर्भ से जरूर हुआ था, परंतु उसका पालन पोषण एक सूत सारथी अधिरथ के घर हुआ था। इस कारण उसके पास धन का किसी प्रकार का भंडार नहीं था, परंतु उसके बाद भी सूर्यपुत्र कर्ण का यह नियम था कि दिन में जो भी पहला याचक उसके पास आता था, उसे वह कभी खाली हाथ नहीं लौटाता था, चाहे वह याचक कर्ण से उसके प्राण ही क्यों ना मांग ले। कर्ण के इसी नियम का फायदा उठाकर देवराज इंद्र ने ब्राह्मण का रूप बनाकर कर्ण के वह कवच और कुंडल उससे दान में मांग लिए थे, जिन कवच और कुंडल के साथ कर्ण का जन्म हुआ था। क्योंकि वह कवच और कुंडल यदि कर्ण के शरीर पर रहते तो अर्जुन उसे कभी नहीं मार सकता था। अपने पुत्र कर्ण की वीरता से देवी कुंती इतनी भयभीत थी कि महाभारत युद्ध से पहले वह भी कर्ण के पास याचना करने चली गई थी कि वह उनके पांचों पुत्रों का वध ना करे। तब कर्ण ने अपनी माँ देवी कुंती को यह वचन दिया था कि उसके पांच पुत्र हमेशा जीवित रहेंगे। इसी कारण महारथी कर्ण ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सभी भाइयों को कई बार जीवन दान दिया था, अन्यथा वह कब का अर्जुन के उन चारों भाइयों का वध कर चुका होता। इसलिए भगवान कृष्ण भी कर्ण की दानवीरता के गुणगान किया करते थे, जो गांडीवधारी अर्जुन को कभी अच्छा नहीं लगता था और वह खुद को हमेशा कर्ण से बड़ा दानी बताता रहता था। उस समय एक बार 5 दिनों तक लगातार बारिश होने के कारण सभी राज्यों में चारों तरफ पानी ही पानी भर गया था। 5 दिन के बाद जब वह वर्षा हल्की सी रुकी तो एक ब्राह्मण अर्जुन के पास आया और उनसे याचना करते हुए बोला कि इस बारिश में उसके पिता की मृत्यु हो गई है, अतः उसे अपने पिता का अंतिम संस्कार करने के लिए चंदन की सूखी लकड़ियां चाहिए। तब अर्जुन ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, आप तो देख ही रहे हैं चारों तरफ पानी ही पानी है, ऐसे में चंदन की सूखी लकड़ियां कहां से मिल सकेंगी? हाँ, दूसरी लकड़ियां सूखी हुई पड़ी हैं, यदि आप चाहें तो उन्हें ले जा सकते हैं। अर्जुन की यह बात सुनकर ब्राह्मण निराश होकर वहां से चलने लगा तो भगवान श्री कृष्ण ने उस ब्राह्मण से कहा कि तुम्हें एक ही जगह चंदन की सूखी लकड़ियां मिल सकती हैं, परंतु वहां तुम्हें याचना करने के लिए सबसे पहला याचक बन के जाना पड़ेगा। ब्राह्मण ने पूछा कि ऐसी कौन सी जगह है भगवान? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आपको अंग देश के राजा कर्ण के पास जाना होगा। उनके पास गया हुआ दिन का पहला याचक कभी खाली हाथ नहीं लौटता है। यह सुनकर ब्राह्मण वहां से अंग देश की तरफ चल पड़ा। उस ब्राह्मण से कही हुई भगवान श्री कृष्ण की यह बात अर्जुन को अच्छी नहीं लगी और वह भगवान कृष्ण से बोले कि मेरे पास कर्ण से बड़ा राज्य है, जब इस बरसात में उस ब्राह्मण को मैं सूखी चंदन की लकड़ियां नहीं ला के दे सका तो वह कर्ण कहां से लाकर देगा? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि यह ब्राह्मण कर्ण के पास से खाली हाथ नहीं आएगा, और यदि यह खाली हाथ वापस आ गया तो मैं कर्ण को दानवीर कहना छोड़ दूंगा। वह ब्राह्मण पूरे दिन और पूरी रात चलता हुआ अगले दिन सुबह होने से पहले अंग देश पहुंच गया। महारथी कर्ण उस समय रोज की तरह नहा धोकर पूजा कर रहे थे। पूजा करने के बाद उन्होंने उस ब्राह्मण याचक से उसकी इच्छा पूछी तो ब्राह्मण ने कहा कि उसे अपने पिता के अंतिम संस्कार के लिए चंदन की सूखी लकड़ियां चाहिए। ब्राह्मण की बात सुनकर कर्ण ने अपने सिपाहियों से कहा कि बारिश की वजह से राज्य में कहीं भी चंदन की सूखी लकड़ियां नहीं मिलेंगी, इसलिए इस ब्राह्मण देवता को मेरे महल में लगे चंदन के खंभे उखाड़ कर दे दो। कर्ण की आज्ञा से सैनिकों ने महल में लगे चंदन के खंभे उखाड़ कर उस ब्राह्मण को दे दिए। दोस्तों, यह बात जब अर्जुन को पता चली तो वह बहुत ही शर्मिंदा हुआ, क्योंकि कर्ण के महल से कई गुना अधिक चंदन के खंभे
तो अर्जुन के महल में लगे हुए थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से एक बड़े ही पते की बात कही थी कि दान देने के लिए धन का होना उतना आवश्यक नहीं होता है जितना दान देने की इच्छा का होना आवश्यक होता है।